Hey guys, welcome back to my channel. और हम लोग जा रहे हैं अपने घर, मतलब मेरे ससुराल में जा रही हूँ. तो बस वहाँ पहुँचती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ. और गर्मी है यार. मंजिल अगर खूबसूरत हो तो सफर अपने आप खूबसूरत हो जाता है. इसी सोच के साथ हम लोग निकल लिए थे. और मंजिल हमारा कैसे मारती है, बता दो. मारती है और पापा कैसे मारते हैं, पापा ऐसे मार दो. मम्मा कैसे मारती है, मम्मा भी ऐसे मारती. और भैया प्यार से करते हैं मुझे. ऐसे बाय कर दो सबको, बाय. तो यहाँ हम लोग घर आ गए थे. और थोड़ा आराम करने के बाद, मम्मी से खूब सारी बातें करने के बाद, वेद मस्ती कर रहा था. और मैंने ज़्यादा टाइम घर पर दिया है वीडियो शूट करने के अतिरिक्त, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं मम्मी के साथ बिताना चाहती थी. और यहाँ मम्मी कह रही थी तुम क्या खाओगे शाम को, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाए. तो मम्मी ने बिरही और लपसी की तैयारी करवाई थी. मतलब मैंने आटा लगा लिया था और लपसी मम्मी ने मुझे बनाना सिखाया. मैंने उनसे कहा कि मुझे सिखा दीजिए बनाना, तो उन्होंने सिखाया बनाना. तो वो लपसी और आटा मैंने लगाया था. बाकी सारी तैयारी मम्मी और बुआ सास ने की थी मेरी. और ये वेद से जब भी पूछो किसने मारा तो कहता है मम्मी पापा और दादी ने मारा. मजाक करता है, उसको कोई नहीं मारता है क्योंकि. और वेद के तो दादी हाउस में आके मजे ही हो जाते हैं, क्योंकि वेद को सब लोग बहुत बहुत प्यार करते हैं. उसकी बुआ, उसकी दादी, उसकी बड़ी दादी, और इतना प्यार उसको मतलब मिला है ना, मुझे उससे कभी कभी जरूर लगती है कि यार मेरी दादी बाबा क्यों नहीं थे, मुझे इतना प्यार क्यों नहीं मिला. तो मैं बहुत ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि मेरे बच्चे को उसकी दादी बुआ सब लोग बहुत प्यार करते हैं. यहाँ वो कह रहा है चलो दादी के पास चलो, मम्मा वीडियो मत बनाओ दादी के पास चलो. तो फिर मैं उसको ते हैं गांव में बिरयानी कैसे बनती है. तो यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ ने पूरी प्रिपरेशन कर ली है और वो चूल्हे में बनेगी. तो मैं पहली बार चूल्हे में खाऊंगी. चलिए आपको मम्मी हेलो कर दो सबको. हेलो हेलो हेलो. ये यहाँ पे मम्मी ने चूल्हा जला दिया है. यहाँ मम्मी तैयारी कर रहे थे और साथ में ये मेरी बुआ सास हैं जो किराए से हमारे यहाँ रहती हैं. तो ये दाल में मसाले में डाल रही थी. हमारे यहाँ काफ़ी किराएदार रहते हैं, तो सब अगर कुछ ऐसा आइटम बनता है तो सब मिलजुल के बनाते हैं और फिर सब साथ में खाते हैं, तो अच्छा भी लगता है. और यहाँ मैंने आटा लगा के रख दिया था और साथ में मैंने लपसी बनाई थी. और बुआ जी कह रही थी तुम दाल में चेक कर लो कि कैसा मसाला तुम्हें ठीक लग रहा है कि नहीं ठीक लग रहा, तुम्हारे लिए बन रही है. और यहाँ वेद अपनी बड़ी दादी के साथ खेल रहा है, पट्टू के साथ खेल रहा है, उसको बहुत मजा आ रहा है. और दाई उसको बस देखे जा रही है कि भाई मेरा पोता, हाय मेरा पोता. और ये देखिए लपसी, इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी शेयर करूंगी. मेरी सास ने मुझे सिखाई है बनानी और बहुत अच्छी बनाती हैं. और यहाँ मैं नमक टेस्ट कर रही हूँ कि सही है कि नहीं है. तो थोड़ा कम लगा मुझे, तो मैंने बुआ जी से कहा कि नमक कम है, तो उन्होंने थोड़ा और नमक वमक मिला दिया. तो अच्छा लगता है, सब साथ में बनाते हैं, मिलके खाते हैं, तो मज़ा आता है. तो मज़े स्वाद का मतलब स्वाद नहीं दोगुना हो जाता है. तो मैं बता रही थी कि लपसी की रेसिपी मैं आपको दूंगी, क्योंकि वो लपसी जो है वो मेरी सास बहुत ही टेस्टी बनाती हैं, वो बहुत अच्छी बनाती है. तो मैं कभी आपको दूंगी. और यहाँ पूनम दीदी सिलवट के साफ कर रही हैं, ये हमारी हाउस हेल्प हैं. तो इन्होंने ही दाल पीस के दी थी हम लोग को. और मम्मी ने अब तक चूल्हा जला दिया होगा. चलिए देखते हैं चूल्हा जलाया कि नहीं जलाया. और देखिए कितना बढ़िया चूल्हा मम्मी ने जला दिया है. और अब बस यहाँ लपसी खा के पूरा दिन बीत गया और खूब बातें हुई. अगले दिन मैं आपसे मिल रही हूँ. आज का दिन डे टू है और बरगदाई का दिन था, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि पूजा करके हम लोग को तुरंत निकलना था, तो इसलिए इतना टाइम नहीं था. तो मैंने पूजा वूजा की और अगले दिन हम निकल गए. थोड़ा दुख थोड़ी खुशी दोनों थी, क्योंकि मम्मी लोग से मिल लिए थे और दुख इस बात का था कि जाना था घर. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं त्यौहार में, हर त्यौहार में वहाँ पहुँच जाऊँ कि मम्मी और दाई को अच्छा लगे. और
वेद कितना खुश है गाड़ी चलाते हुए। तो बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक रखिए आप अपना खूब सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, प्लीज 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 लाइक कर दीजिए।